चंडीगढ़ टू ले। जो तुमने लुक बना लिया ना, सीधे तुम अब मुंबई पहुंचोगे बॉलीवुड में। पहले घरों के हमें कल निकाल दिया जाए यहाँ से, क्योंकि भाई 3 दिन हो गए हैं भाई, हम बहुत बुरे वाले फंसे हैं। कल रात में भाई दोबारा से स्लाइडिंग हो गई है जोजिला पास की तरफ, एंड उसकी वजह से अभी भी रास्ते नहीं खुले हैं। उधर से पहले पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद यहाँ से गाड़ियां निकलेंगी। रात भर भाई यहीं बितानी पड़ेगी चेक पोस्ट पे। लग्जरी कंफर्ट ढूंढ रहे हो ना, तो भाई कभी लद्दाख मत आना। बाकी रात में भालू आया था और भाई को देख के भालू ही भाग गया यार। सो गाइस, आज दूसरी मॉर्निंग है भाई। अब आप सोच ही सकते हो कि हमारी क्या कंडीशन हो रही होगी। तो भाई वेल्ले बैठे हैं तो यहीं करना है। ब्रांडिंग तो कराई नहीं थी तो यहाँ पर गंदी गाड़ी पे लिख दिया चंडीगढ़ टू ले। तो यहीं है भाई, बोर हो गए हैं बुरी तरह। शहर में शायद ही कोई ढाबा बचा हो, शायद ही कोई जगह बची हो जहाँ पर हमने टाइम ना स्पेंड किया हो। तो बस यहीं है भाई फिलहाल, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं वेट कर रहे हैं यहाँ की एडवाइजरी का, कब तक लेटेस्ट एडवाइजरी आए और हम लोगों को पता चले कि रास्ता कब तक खुल रहा है। अब भाई यहाँ पर है तो है नहीं कुछ, तो सिंगम हमें कौवा पिला रहा है। नहीं कावा, लेकिन एक बात तो पक्की भाई, जो तुमने लुक बना लिया है ना आज, सीधे तुम अब मुंबई पहुंचोगे बॉलीवुड में। पहले घरों के जाऊंगा। नहीं नहीं, अब तेरे को सीधे बॉलीवुड पहुंचाएंगे हम। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी भाई, देख लो। मम्मी से मिलूंगा, पैर छू के फिर जाऊंगा। नहीं नहीं, घर तू नाम रोशन करके जाएगा भाई। उसके बाद पैर छूने। क्यों भाई, है ना? उसके बाद पैर छूने जाएगा। निकलूंगा ना, फ्लॉप हुए जो हुए। नहीं फ्लॉप कैसे हो जाएगा भाई, को हम फ्लॉप होने नहीं देंगे। कावा ठंडा हो रहा है भाई। सो भाई फाइनली हमें इतने टाइम बाद भैया लोग मिले हैं यहाँ पे, और घर जैसा खाना भी मिल रहा है। तो भाई हमें बड़ी खुशी मिल रही है। क्या बनी है? दाल बनी है, कड़ी बनी है, और ये टमाटर की चटनी। ये छत्तीसगढ़ वाला टेस्ट है। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है भाई, माहौल एकदम घर वाला फील हो रहा है। गाइस बेसिकली हम जिस होटल में रुके हैं वहां पे भाई हमारे गुजराती भाई काफी रुके हुए हैं, और भाई इन्होंने पूरी वाइब बनाई हुई है। पिछले 3 दिन से भाई हम यही सब देख रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, बहुत फैमिलियर लग रहा है। हम फंसे थे बट हमें कहीं से भी अजीब नहीं लगा यार कि हम कहीं एक अलग जगह फंसे हैं, हमें अपनापन नहीं लग रहा। तो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे जो टूरिस्ट फंसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंड गाइस आज हमारा 3rd डे है। आई होप कि ये हमारा लास्ट डे हो यहाँ पे फंसने वाला, क्योंकि जो एडवाइजरी आ गई है उसमें ये आया है कि भाई कल मॉर्निंग में रास्ता खुल रहा है, एंड मॉर्निंग में उस तरफ से रास्ता खोला जाएगा, तो कुछ गाड़ियां इधर आएंगी, बाकी हो सकते हैं दोपहर तक इधर से हम लोग को अलाउ कर दिया जाए उस तरफ जाने के लिए। तो भाई यही है कि फिंगर क्रॉस हमें कल निकाल दिया जाए यहाँ से, क्योंकि भाई 3 दिन हो गए हैं भाई, हम बहुत बुरे वाले फंसे हैं। अब भाई लग रहा है कि घर पहुंचे। बाकी भाई जो 3 दिन का यहाँ एक्सपीरियंस था भाई बहुत अच्छा था, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो भाई मैं फॉर श्योर यहाँ दोबारा आने वाला हूँ। जहाँ मैं रुका था द्रास में, जिन भैया के यहाँ रुका था, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो भाई यहाँ तो मैं फॉर श्योर दोबारा आने वाला हूँ। बाकी गाइस चलो, रात हो गई है 11:30-12 बज चुके हैं। ये गुजराती भाई ये तो सोने से रहे, ये लोग 12-1 बजे सोते हैं, बाकी हम चलते हैं सोते हैं भाई। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है हमारा फंसने का 4th डे, मींस आज हमारा 4th दिन है और हम आज भी फंसे हुए हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट है वो ये है कि कल रात में भाई दोबारा से स्लाइडिंग हो गई है जोजिला पास की तरफ, एंड उसकी वजह से अभी भी रास्ते नहीं खुले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे तक उम्मीद है कि रास्ते उधर से खोलेंगे। अब ये देखना है कि कितनी गाड़ियाँ उधर से निकल पाती हैं और हम आज यहाँ से निकल पाते हैं या कल निकल पाते हैं। तो भाई 4th डे, अब आप समझ जाओ कि मेंटल स्टेटस क्या हो रहा होगा फंसने का। तो जैसा भी है ऐसा ही है भाई, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और बस उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। गाइस फिलहाल की अपडेट ये है कि भाई रास्ता खुल गया है, एंड ओहो भाई रास्ता खुल गया, इधर देखो रेड है पूरा, आगे आगे जाम बहुत है क्योंकि उधर से गाड़ियां बहुत आ रही हैं। और देखते हैं भाई कि हम निकल पाते हैं कि कितने घंटे हमें यहाँ पे बिताने पड़ते हैं।
वैसे हम कोशिश पूरी करेंगे, नहीं भाई है जाम, देखो गाड़ियां रुक गई उधर से, तो यही है भाई उधर से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 400-500 गाड़ियां फंसी हुई थी, तो वो निकलेंगी उसके बाद ही हमें जाने को मिलेगा। गाइस फिलहाल सीन ये है कि भाई इधर की सारी गाड़ियां काफी लंबे जाम में फंसी हुई हैं, क्योंकि अभी उधर से ट्रैफिक अलाउ किया है, मतलब उधर से गाड़ियां आ रही हैं इस तरफ, बट हमारी तरफ से अभी गाड़ियां नहीं निकाल रहे हैं। तो भाई फिलहाल जो अपडेट यही है कि उधर से पहले पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद यहां से गाड़ियां निकलेंगी। तो आई होप यार ऐसा हो और आज ही की डेट में हमारी गाड़ियां बस निकल जाए यार, क्योंकि भाई अब हम परेशान हो चुके हैं भाई यहाँ पर। सो गाइस देख लो जाम कितना है भाई, सारी गाड़ियां फंस चुकी हैं बुरी तरह, और यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे तक गाड़ियां फंसी हैं। डैट मीन हम 2.5 किलोमीटर पीछे हैं, वो हमारी गाड़ी फंसी है। एंड भाई अब क्या कर सकते हैं, तो यही इंजॉय करना है। क्या पता आज दोपहर तक यहाँ फंस रहे हैं, या क्या पता रात तक फंस रहे हैं। तो बाकी देख लो भाई यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, अब बर्फ में नज़ारे लेते हैं, बर्फ में खेलते हुए भाई फिसल रही है बर्फ, क्या बात है। गाइस हम लोग फंस जरूर गए हैं, बट हम भाई फन पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। वो देखो सामने रोड पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और भाई हम देखो कहो तेरी पैर घुस गया अंदर, देखो भाई हम पूरे नज़ारे ले रहे हैं, और इतनी खूबसूरत वादी में। चल जो भी होता है भाई अच्छे के लिए होता है, ठीक है, अच्छे के लिए होता है, नहीं तो बच्चे के लिए होता है, जो भी है मज़ा बहुत आ रहा है। और इन वादियों को कहाँ ही हम रोज़ रोज़ इंजॉय कर सकते हैं, तो बस यही है भाई। पानी में आ गए हम लोग, ये पूरी बर्फ़ है और पानी सुपर चिल्ड है, डर रहा है, हर तरफ जिधर देखो भाई बर्फ ही बर्फ है। चलते हैं ऊपर ही चलते हैं, ठंड हो रही है अब। गाइस हमें यहाँ पे खड़े खड़े ऑलमोस्ट भाई 6 घंटे हो गए हैं, और चलो रौनकें बढ़िया लगी हैं, भाई लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई है तो मस्ती चल रही है। बट भाई अब इसी चीज़ का वेट है कब तक रास्ता खुलेगा, क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं, और एक बार अगर रात हो गई तो पता नहीं रास्ता खुलेगा कि नहीं हमारे लिए। जैसे आपको वेट है हमें भी वेट है। गाइस लाइफ में ना ये मोमेंट नहीं भूल पाएंगे, लिटरली नहीं भूल पाएंगे। बेसिकली क्या सीन हुआ कि भाई देखो अभी तक ट्रक्स की मूवमेंट है, अभी तक आ रही है, एंड हमें 9:30 बज गए हैं भाई, तो अभी हम 1.5 किलोमीटर पीछे आए हैं रात में डिनर करने, या जो भी हमें मिलता है। अभी हमें एग, राजमा चावल ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो भाई यही सब खा रहे हैं, बाकी होटल तो चलो भूल ही जाते हैं। बाकी यही सीन है भाई कि अभी हम लोग फिर से 1-2 घंटे बाद जब थोड़ा सा माहौल शांत हो जाएगा तो आगे चेक पोस्ट की तरफ गाड़ी ले जाएंगे, और रात भर भाई यहीं बितानी पड़ेगी चेक पोस्ट पे, और सवेरे मॉर्निंग में चेक पोस्ट खुलने का वेट करेंगे कि भाई हमें अलाउ किया जाए उस तरफ जाने के लिए। बाकी मैं गाइस एक चीज फॉर श्योर आप लोगों को बताऊंगा कि लद्दाख ये है भाई एक्सट्रीम लग्जरी कंफर्ट ढूंढ रहे हो ना, तो भाई कभी लद्दाख मत आना, मतलब खुल गए भाई हमारे इस बार। सुनते थे ना कि भाई लद्दाख बहुत एक्सट्रीम है, तो भाई डेफिनेटली लद्दाख बहुत एक्सट्रीम है। बाकी ये है कि अभी स्टार्टिंग टाइम था, इस वजह से हमें इतने इश्यूज फेस करने पड़े। बाकी आप अगर नेक्स्ट मंथ या 1-2 महीने बाद आप प्लान करते हो तो इतने इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे जितने हमने किए, तो हम ही जानते हैं भाई हम क्या फेस कर रहे हैं। रात में इस टाइम हम -12 ठंड में ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो मायने रखता है। भाई हमारे लिए क्या ले आया ये भाई, बहुत हमारी हेल्प कर रहा है भाई हर चीज़ में, हमें खिला रहा है खाना, तो अब भाई ये तो खा लिया एग, तो खा लिया एग नहीं खाना यार, इसने ना नमक बहुत डाला हुआ है, नमक कम करवा के लाया हूं, एग तो नहीं खाऊंगा यार मैं, तो और कुछ बनवाता हूं सर। देखो यार गाइस दिक्कत पे दिक्कत है, अभी हम रात के देखो 12:20 पे फंसे हैं, आपको पता ही हम कहाँ फंसे हैं, और मेरी गाड़ी ने एकदम से रीजनरेशन मांग लिया। तो चलो खैर ये तो कहो इससे पहले मेरे को पता था कि रीजनरेशन कैसे किया जाता है गाड़ी में, और भाई मैंने प्रोसेस में डाल दिया है। अगर मतलब आप सोचो अगर मेरे को ये चीज़ पता ही नहीं होती और मैं ऐसी जगह फंसा हूँ तो भाई क्या सीन होता। चलो भाई जो भी है अच्छा है अभी हो गया, सवेरे अगर हम जाम में फंसते और तब ये रीजनरेशन मांगती फिर बहुत परेशान हो जाता मैं।
गाइस देख के बताओ कि ये ट्रक किस कंपनी का है भाई। ये टाटा का है, ये देखो जो कि दिख रहा है बीच में। फिर ये लेफ्ट में महिंद्रा है, फिर उसके ऊपर लिखा है स्कॉर्पियो। ये टाटा का ट्रक है या महिंद्रा स्कॉर्पियो है पता नहीं भाई, जो भी है। बाकी सीन ये है कि सवेरे के 5 बज रहे हैं, रास्ता ओपन हो गया है और भाई हम पूरी तरह से परेशान हैं। और बाकी रात में भालू आया था और भाई को देख के भालू ही भाग गया यार। भालू बना के भागा? नहीं भाई, तुझे देख के भागा है। गाइस फाइनली हमें 6:30 बजे यहाँ से छोड़ा गया है। एंड वीरे हूं खुश हो? मैं क्या हूं खुश हो? खुल गया तो भाई फाइनली 6:30 बजे रास्ता खोला है और सारी गाड़ियां ऐसे छूटी हैं जैसे वो कहते हैं ना जेल से कैदी छूटते हैं। तो भाई आज हमें सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है। बस भाई ये स्ट्रेच क्रॉस कर जाएं जोजिला पास वाला, बस अब निकल जाएं भाई अब। सो गाइस ये देखो, ये है पहला वो पड़ाव जहां पर काफी ज्यादा स्नो गिरी थी। एंड ये भाई इसको क्लियर करने में कितने 2 दिन लग गए। बहुत ज्यादा बर्फ है भाई यहाँ पर। गाइस ऐसे तो बहुत सारी अभी स्लाइडिंग्स मिली थी, बट मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये होता है एवलांच। ये ऊपर से आप देख रहे हो, ये पूरा ऊपर से है नीचे तक। और 20 से मतलब ये होता क्या है कि पूरी सड़क पे भाई बर्फ ही बर्फ जम जाती है। उसके बाद वो जो आगे आप देख रहे हो जेसीबी जो भी होते हैं उन्हें कहते हैं आइस कटर, उससे भाई ये रोड्स में पूरी जो बर्फ होती है उसको काटी जाती है बर्फ, जिस वजह से हमें 4 दिन यहाँ फंसना पड़ा। फाइनली हम आ गए भाई नीचे 4 दिन फंसने के बाद। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बट शरीर की और विल पावर की हर चीज की भाई रेड़ लगी पड़ी है। बस अब तो लग रहा है कि घर पहुंचे। सो गाइस फाइनली अभी हम सोनमर्ग आ गए और अपनी गाड़ी की है गगन क्या गगन चलो यही बोल रहा है जो है इसी जगह आ गए। और भाई अपनी गाड़ी की देखो हमने कितनी प्यारी खूबसूरत कर दी गाड़ी, पूरी गंदी करके, क्योंकि जो हमारा एम था भाई लद्दाख लाने का वो यही था कि भाई इसका पेंट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अभी भी यार उस लेवल की गंदी हुई नहीं है, ऊपर ऊपर ब्लैक दिख रही है। बट भाई सही बताऊं जान में जान आ गई है। मतलब जो भाई सिचुएशन थी ना हमारी 4 दिन से परेशान हो गए थे भाई। आप सोचो कि आप किसी जगह स्टक हो जाओ और 4 दिन तक आप निकल ना पाओ, तो सोचो क्या महसूस होता है। तो भाई वही कंडीशन थी। अब अंदर से इतना अच्छा लग रहा है कि अब तो लग रहा है अब तो चाहे जब पहुंचे कोई टेंशन नहीं है। तो यही है भाई, अब यहाँ रुके हैं कुछ चाय पानी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ कैसे कहाँ रुकते हैं। सो भाई सवेरे सवेरे यहाँ पर बढ़िया हम बंद मक्खन और चाय ले रहे हैं। हमारे यूपी वाले भैया जी हमें बंद मक्खन में चाय। अबे तेरे हुलिया क्या हो गया भाई, एकदम खत्म हो गया भाई तू। भालू भी तेरे से खूबसूरत लगेगा इस टाइम तो भाई, तू भालू का भी प्यो लग रहा है चल कोई नहीं भाई, ये बात फैक्ट है। हुलिया तो हमारा भी खराब हो चुका है जो हमने 4-5 दिन बिताए हैं, जैसे हमें ही पता है। श्रीनगर से और जम्मू के बीच में भाई इतना बुरा हाल है, इतना ज्यादा बुरा हाल है। लास्ट मेरे ख्याल से हम लोग 2-2.5 घंटे से फंसे हैं भाई, जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फर्स्टली रूट्स ओपन हो गए हैं और हर बंदा लद्दाख भाग रहा है। तो ये जितनी गाड़ियां मैक्सिमम सारी भाई टूरिस्ट की गाड़ियां हैं, तो ये गड़बड़ हो गई है। ऊपर से रूट बहुत खराब है, बहुत डिस्टर्ब है
और भाई वो हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। तीसरी चीज भाई यहाँ की जो पुलिस है वो हैंडल कर ही नहीं पा रही है ट्रैफिक एकदम। तो भाई यही है देखो, कोई कहीं भी घुसा हुआ है, यही है भाई। ये सब चीजें सुधरनी बहुत जरूरी है भाई। इससे क्या होता है ना, पहले हम चार दिन हमने वहां पर परेशान हुए द्रास में, आज जब हम जेल से छूटे हैं तो आज भाई हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो भाई यही है, अपने जीवन के घोड़े खुले हुए हैं। गाइस यार देख लो, 4:30 हो गए एंड ये रास्ते में अभी भी जाम है भाई, एंड आने वाले 1-2 घंटे तक भी जाम है भाई। मतलब बहुत गलत चीज है यार, अगर आप लद्दाख के लिए एक रूट ओपन कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको एक रूट तो एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। मतलब यही है भाई कि बंदा तंग ही हो रहा है इस समय। एक तो एक झटके से सारी गाड़ियां छूटी हैं, उधर से भी सारी गाड़ियां आ रही हैं, इधर से भी सारी गाड़ियां जा रही हैं। भाई यही है, मतलब मॉर्निंग से भाई फंसे हुए हैं इस हाईवे पे। और हार्डली कितना हम चले होंगे, 30-40 किलोमीटर बस, इससे ज्यादा चले ही नहीं भाई। यही सीन है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं यार, आज की भी रात गई भाई। हाँ जी, सो गाइस हम मॉर्निंग में आ गए थे भाई 6 बजे, मतलब अपने घर मोहाली हम 6 बजे पहुंच गए थे। तो डेट मींस हमने भाई गाड़ी जो चलाई वो पूरे 24 घंटे, मींस हम वहाँ 6 बजे निकले थे द्रास से और हम 6 बजे ही लगभग अपने घर पहुंचे हैं चंडीगढ़ मोहाली। 24 घंटे की ड्राइव करने के बाद भाई इतना ज़्यादा मैं हेक्टिक फील महसूस कर रहा हूँ कि पूछो मत। मतलब बहुत ज़्यादा भाई थक गया था रात में, काफ़ी जगह गाड़ी मैंने लगाई, काफ़ी जगह सोया। तो यही था सीन। बाकी भाई अभी आपको सारी डिटेल्स देनी बाकी हैं कि इस ट्रिप पे कितना खर्चा हुआ, कितना डीजल लगा, कितना होटल में खर्च हुआ, कितना फूडिंग, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। हाँ जी, तो हमारा भाई दरोगा साहब जा रहे हैं यूपी वापस, तो हम भाई इनको छोड़ने आए हैं, पीछे बस लगी है तो इनको हम छोड़ेंगे और उसके बाद हम आपको सारी कुछ डिटेल्स देने वाले हैं इस ट्रिप के बारे में।